हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनफिनिटी रिसर्च। होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल एंड फाइन। माय नेम इज प्रीति, आई एम रिसर्च स्कॉलर एट आईआईटी बॉम्बे। तो इस चैनल पे हम पीएचडी एडमिशन के एडवर्टाइजमेंट और अपडेट डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पे मेरे लेटेस्ट वीडियोज देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में जाके आपके फेवरेट इंस्टीट्यूट के हिसाब से वीडियोज चेक कर सकते हो। मेरे अपकमिंग वीडियोज के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी भुवनेश्वर के बारे में। उनकी तरफ से पीएचडी के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए थे जिसकी लास्ट डेट ओवर हो चुकी है। अभी अपडेट है कि लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है फॉर रिटर्न टेस्ट फॉर पीएचडी, उसकी लिस्ट आ गई है। उसके लिए आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर रिटर्न टेस्ट यहाँ पे दिख जाएगा या यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो कोई भी एक लिंक आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो लिस्ट है यहाँ पे आ जाएगी। जैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का आपको यहाँ पे दिख जाएगा उसको क्लिक करने के बाद। फिर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस मैनेजमेंट का यहाँ पे मिल जाएगा आपको। मैकेनिकल साइंस का यहाँ पे, मिनरल मेटलर्जिकल मटेरियल इंजीनियरिंग का यहाँ पे मिल जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब हम पहले डबल ई डिपार्टमेंट का वगैरह सब देख लेते हैं क्या है। तो इस डिपार्टमेंट का मीन्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का यहाँ पे मिल जाएगा आपको कि 8 मई को रिटर्न टेस्ट होने वाली है। रिपोर्टिंग टाइम 8 AM होगा और इंटरव्यू जो होगा जब भी लिस्ट पब्लिश होगी उसके बाद 11 बजे से स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट मेंशन की हुई है। तो बहुत सारे कैंडिडेट है, अराउंड 46 कैंडिडेट है फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद आप यहाँ पे सीएसई डिपार्टमेंट का देखेंगे तो यहाँ पे सीएसई डिपार्टमेंट का भी लिस्ट मेंशन किया हुआ है। उनका एक रिटर्न टेस्ट 9 मई को होगा और इंटरव्यू भी 9 मई को ही होगा। यहाँ पे लिस्ट सारा मेंशन किया हुआ है तो आपका नेम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। टोटल 28 कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद ईसी जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो है उसका 9 को ही होने वाला है और इंटरव्यू भी उसी दिन होगा। यहाँ पे सारे कैंडिडेट का नाम्स वगैरह सब मेंशन किया हुआ है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अराउंड 48 कैंडिडेट है, आपका नाम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में जो सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और फिलोसॉफी है उस हिसाब से यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इनका एग्जाम 10th को होने वाला है और रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू एक ही दिन होगा। यहाँ पे उन्होंने वेन्यू भी दिया हुआ है रिटर्न टेस्ट के लिए और इंटरव्यू के लिए और लिस्ट ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है तो आप यहाँ पे आपका नाम चेक कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको सारे डिपार्टमेंट का चेक करना है जो भी लिस्ट है और उस हिसाब से आपका नाम है उस हिसाब से आपको आना है यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए। तो इंग्लिश का 11 मई को होने वाला है। बहुत सारे कैंडिडेट है इंग्लिश के लिए भी, अराउंड 115 कैंडिडेट है। और फिर मैकेनिकल साइंस में आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मैकेनिकल साइंस की लिस्ट आ जाएगी। अराउंड 54 नंबर ऑफ कैंडिडेट है और इनका रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू 15th को होने वाला है, 15-16 को, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आपका जो भी डिपार्टमेंट है उस हिसाब से आपको यहाँ पे चेक करना है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में आप यहाँ पे वाटर रिसोर्सेस है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, जियो टेक्निकल है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, उसको आप क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग को क्लिक करूंगी तो यहाँ पे स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का लिस्ट ओपन हो जाएगा जिसका इंटरव्यू 15 मई से स्टार्ट होने वाला है रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू। तो यहाँ पे सारे लोगों के नाम यहाँ पे मेंशन है, आप आपका नाम चूज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा है या नहीं और इस हिसाब से आप प्लान कर लीजिएगा इंटरव्यू के लिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।